नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लास में, जहां पर हम पॉलिटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, कई दिनों से मैं इस क्लास के विषय में कह रहा था कि जब आप इस क्लास को करेंगे तो आपको कभी भी मैं एहसास नहीं होने दूंगा कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है क्लास 6 के एनसीईआरटी में ऐसा क्या लिखा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्लास 6 के एनसीईआरटी में वह सब कुछ लिखा हुआ है जिसका प्रयोग आप मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस की कॉपी में कर सकते हैं। जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं तो उसमें जो लिखना होता है वो सब कुछ क्लास 6 में है। बस आप मेरे साथ उस चीज को देखिए, उसको नोट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी, सही बात है, क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखी गई है। लेकिन अब चूंकि हमारा लेवल बढ़ चुका है, हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ चुका है, हमारा किसी कंटेंट को देखने और समझने का नजरिया बदल चुका है, तो स्वाभाविक है अप्रोच भी बदलेगा। और इस कंटेंट के आधार पर ही मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को आंसर राइटिंग का ABCD भी नहीं आता, मैं इसी कॉपीज, इसी किताब के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप IAS के प्रश्नों को, खासकर मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को, कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो पॉलिटी की क्लास है, यह चूंकि कॉन्सेप्चुअली हमको साउंड करती है, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, बेस को मजबूत करती है, टॉपिक में हमारे इंटरेस्ट को क्रिएट करती है, ये पॉलिटी को इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बनाती है, इसके कारण हमें इसे बहुत ही बारीक तरीके से देखना और समझना होगा। मैंने आपको कल भी अपनी किताब दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूं। ये किताब एकदम फट चुकी है। जब भी मैं इस किताब को पढ़ता हूं हर बार कुछ नया लगता है। लेकिन जब भी क्लास में आता हूं उससे पहले कम से कम 4 बार मैं पढ़कर आता हूं, ताकि हमेशा कुछ नया आपको दे सकूं। और आज की क्लास में भी मैं आपको बहुत कुछ नया देने जा रहा हूं। बस आपको क्या करना होगा, सही से सुनना होगा, नोट करना होगा और चीजों को देखना होगा कि एनसीईआरटी की लाइनों को मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं, किस तरह से उसमें डायमेंशन जोड़ रहा हूं। मैं एनसीईआरटी के कैरेक्टर अर्थात जो इसमें पात्र दिए गए हैं, जिसके माध्यम से एनसीईआरटी अपनी स्टोरी, अपने कॉन्सेप्ट को हम तक पहुंचा रहा है, मैं उन कैरेक्टर्स के साथ में किस तरह से उनकी बातों का मूल्यांकन कर रहा हूं, ये चीज अगर आपने सीख लिया, इसका मतलब है कि अगर आपने मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना सीख लिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। आप सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। बच्चू सिंह कह रहे हैं सर कितने दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। मैं, अच्छा होगा मैं आपसे पूछूं कि आप कितने दिन में इस योग्य हो जाएंगे कि एनसीईआरटी को समझ पाए। ये जल्दी वल्दी वाले काम छोड़ दे बच्चों, ये प्रश्न बताता है कि अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप मुझसे ये पूछें कि सर कितने शानदार तरीके से कंप्लीट होगी। कंप्लीट तो अगर आपको एनसीईआरटी 2-4 दिन में करना है, तो बहुत से यूट्यूबर ने क्या कर रखा है, 3 घंटे में क्लास 6 के एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रखे। आपको वह क्लासेस ज्यादा पसंद आएंगे, आप उसको देख सकते हो। और अगर क्वालिटी चाहिए, अगर आपको अप्रोच वह चाहिए जो 2-3 लाख की कोचिंग में मिलता है, तो आपको समय देना होगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा और आपसे कहूंगा क्लास को स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर क्लास स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपको दुख ना हो, और क्लास में बने रहेंगे तो हो सकता है आपका एनसीईआरटी को देखने का नजरिया बदल जाए। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए तेजी से इसको, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। चले
ठीक है, सेशन को स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइटल जो है पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 लेक्चर 2 है। कल पहला इसका लेक्चर आया था, आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा था। हमारे पास कम से कम 150 बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमने इससे पहले लक्ष्मीकांत भी पढ़ा, हमने इस एनसीईआरटी को भी पढ़ा था, लेकिन हमने ऐसे सोचा नहीं था। तो यहां पर आपकी सोच विकसित की जाएगी, आपके आगे के प्रोसेस को, अर्थात किस तरह से आप मुख्य परीक्षा में किस तरह से यहां के कंटेंट को अपने आंसर में यूज करने वाले हैं, अपने बोलने के क्रम में, अपने प्रेजेंटेशन में इसको यूज कर सकते हैं, वह हम सिखाने वाले हैं। ये मेरे विषय में संक्षिप्त परिचय है। जो लोग नए जुड़ रहे हों उनको हो सकता है लगे कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, दिखता हमारे जैसा है, नहीं आपके जैसा दिखता हूँ, लेकिन उम्र काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो कल हम लोगों ने जो आपको समझा दिया था, मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ। कल मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर स्टार्ट करके हमने विविधता को समझने का प्रयास किया था। कल हम लोगों ने विविधता को समझना प्रारंभ किया था और विविधता को समझते हुए हमने न सिर्फ विविधता को समझा था, अर्थात डाइवर्सिटी को समझा था, बल्कि हमने जो है कि असमानता को भी समझा था। कल इस चैप्टर ने क्या किया, हमें सबसे पहले विविधता को समझाया और विविधता को समझाने के लिए, डाइवर्सिटी को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने हमारे साथ एक खेल खेला। उसने क्या किया, हमें एक टास्क दिया, उसने कहा कि सब लोग अपना अपना एक फोटो बनाइए जो आपके मैं माफी चाहता हूं बच्चों, एक सेकंड, माफी चाहता हूं। तो हमने कहा कि कल एनसीईआरटी ने हमें एक टास्क दिया। क्या टास्क दिया, उसने कहा कि सभी लोग एक जो है कि चित्र बनाएं, जिसमें आप अपने दोस्त अपने परिवार के किसी सदस्य का चित्र बना सकते हैं। तो सब लोगों ने जब चित्र बनाया तो हमें पता चला कि सबका चित्र अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि सबका जो हाथ का कला है वो अलग अलग है और किसी की इमेज वो कैसी बनाएगा ये भी दिमाग में अलग है। जैसी दिमाग में इमेज रहेगी कि भाई इसको किसी को मोटा बनाना है, पतला बनाना है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बनाएगा। तो इसी तरह से एनसीईआरटी ने इस आधार पर ये कहा कि आप सब लोगों ने इमेज बनाकर, चित्र बनाकर यह देखा कि सबकी चित्रकारी अलग अलग है, जो ये बताता है कि सभी का नजरिया अलग अलग है। और नजरिया अलग अलग होने का मतलब ये है कि हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं। और इस तरह से एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे साथ में रहने वाले लोग, अर्थात एक ही क्लास के स्टूडेंट, एक ही समाज में रहने वाले लोग, एक ही गांव में रहने वाले लोग अलग अलग सोच रखते हैं। ये क्या है, विविधता। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया। और वह जो एग्जाम्पल दिया वह था दोस्ती करने का। अर्थात कल एनसीईआरटी ने दोस्ती नाम का एक पैराग्राफ हमें दिखाया, जिसमें उसने कहानी सुनाई। एनसीईआरटी ने क्या कहानी सुनाई कि एक बच्चा है जो डेली सड़क पर खड़ा होकर पेपर बेचता है, उसका नाम भी समीर है। डेली उसी रास्ते से एक सूट बूट पहनकर आदमी जाता है जो गवर्नमेंट जॉब में है, उसका नाम भी समीर है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों का धर्म अलग है, जो बच्चा है वो मुस्लिम है, जो दूसरा समीर है जो गवर्नमेंट जॉब में है वह हिंदू है। दोनों के उम्र में अंतर है, एजुकेशन में अंतर है और दोनों की सोच में अंतर है। एक पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा नहीं है। एक का धर्म अलग है, एक का दूसरे का धर्म अलग है। तो यहां पर विविधता को समझाते हुए एनसीईआरटी ने यह भी कहा कि हमने देखा दो समीर के जो है कि कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी ने बताया कि देखो भाई दोनों समीर में क्या है, असमानता है।
असमानता है, अर्थात अनइक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं है। और उसने कहा, एनसीईआरटी ने हमें कल समझाया कि जिस जो हम अपने समाज में विविधता देखते हैं यह अलग चीज है, असमानता अलग चीज है। असमानता में क्या है कि गरीबी, अगर गरीबी है तो यह क्या असमानता है, कोई अनएजुकेटेड है अर्थात अशिक्षित है तो ये क्या है, यह असमानता का परिणाम है। कोई अगर जो है कि स्कूल नहीं जा पा रहा है, किसके पास, किसी के पास बेसिक नीड्स की चीजें नहीं है, तो ये असमानता है। फिर विविधता क्या है, विविधता है हमारा अलग अलग तरीके का खान पान। आप कुछ और खाते हैं, मैं कुछ और खाता हूं, आपको ड्रिंक में कुछ और पसंद होगा, मुझे कुछ और पसंद होगा, आपके कपड़े का शौक अलग होगा, मेरे कपड़े का शौक अलग होगा, आप हो सकता है कहीं दूसरी जगह पर घूमना पसंद करते हो, मैं कहीं दूसरी जगह पर घूमना पसंद करता हूं, ये सभी चीजें क्या है, विविधता। लेकिन समाज में असमानता भी है, और एक ही समाज में हमें विविधता और असमानता दोनों देखने को मिलती है, कल इस एनसीईआरटी ने बताया। अर्थात हम जब अपने समाज को देखते हैं तो उसमें विविधता और असमानता देखने को मिलती है, तो हमें क्या करना है, विविधता को बचाए रखना है। एनसीईआरटी क्या कहता है, विविधता की तारीफ करता है, अभी मैं आपको लाइनें दिखाऊंगा, कल भी मैंने दिखाया था, तो विविधता की तारीफ कहता है, वो कहता ही यही विविधता तो हमें समृद्ध बनाती है, आज भी इसी चीज को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एनसीईआरटी भी कहता है कि असमानता ठीक नहीं होती। असमानता का मतलब है कि वंचना का होना, अर्थात अभाव का होना, कमी होना, असमानता ठीक नहीं होती। जैसे अगर कोई समाज जाति के आधार पर बंटा हुआ है तो यह विविधता नहीं है, ये असमानता है, क्योंकि इसमें आप कुछ जातियों को उच्च दर्जा देंगे और कुछ जातियों को निम्न दर्जे से देखेंगे, ये क्या असमान व्यवहार है। विविधता क्या है, हम किसी भी जाति और धर्म के हों साथ में रहते हैं, हमारे तीज त्योहार अलग हैं साथ में इंजॉय करते हैं, हम जो है कि भले ही कुछ भी करें लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये विविधता है। इस विविधता की एनसीईआरटी क्या करता है, तारीफ करता है, अर्थात इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स को आपके सामने रखता है और इसके लिए कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, जाति के आधार पर असमान व्यवहार, यह विविधता नहीं, ये असमानता है। कल यहां तक हो गया था, कल यहां तक हो गया था। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां समझिएगा, यहां देखिएगा, सब लोग देखिए इस किताब को, देखिए ऐसे। हां, मैंने कल यही कहानी सुनाई थी, यही कहानी सुनाई थी, और देखो जाति व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा था, एक पेज में देखो उसको हमने कर रखा है, देख पा रहे हैं सब लोग, सब लोग देख पा रहे हैं, सब लोग देखिए देख पा रहे हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो कल जो दोस्ती वाला हमारा जो पैराग्राफ था वो कंप्लीट हुआ, और कल हमने इसी विविधता को समझाते हुए बताया था कि जब आप अपने समाज की विविधता से, जब हम समाज की विविधता से परिचित होते हैं तो दरअसल हम अपने समाज के विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। विविधता क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों हमें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम विविधता को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हम एक ही चीज को कई एंगल से देखते हैं। जैसे इसी सूर्य का इंपॉर्टेंस, इसी चंद्रमा का इंपॉर्टेंस, इसी पेड़ पौधों का इंपॉर्टेंस, सबके लिए अलग अलग है, ये विविधता है। हम खाने पीने की चीजों को, अधिकांश चीजें हम लोग कृषि की चीजें खाते हैं, अधिकांश चीजों को हम लेकर एक ही तरह से आते हैं, बनाते अलग अलग। तो जब हम विविधता से परिचित होते हैं तो हमें पता चलता है एक ही चीज से हमारे किचन में कुछ और बन रहा है, पड़ोसी के किचन में और उसके पड़ोसी के किचन में कुछ और। हम जो है कि कोई जमीन पर बैठ के खाता है, कोई टेबल पर बैठ के खाता है, कोई सब्जी चावल खाता है, कोई सब्जी दाल खाता है, कोई जो है कि रोटी सब्जी खाता है, अलग अलग तरीके, कोई उसी रोटी को मोटा बनाता है, कोई पतला बनाता है, कोई उसमें कुछ ऐड कर देता है, कोई सादा बनाता है, ये विविधता है। इस विविधता से जब हम परिचित होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे चारों ओर रहने वाले लोग कितने इंटरेस्टिंग हैं, कितने अलग अलग हैं और कितने मजेदार हैं। कल मैंने आपको बोला था, आप मिठाई की दुकान पर जाते हो, मिठाई की दुकान पर जाओ, सिर्फ लड्डू रखा हो, कितने दिन लड्डू खाओगे, मन भर जाएगा। लेकिन एक ऐसी मिठाई की दुकान है जहां पर जाते हो आपको मिठाइयों की कई वैरायटी। ठीक इसी तरह से जब हमारे समाज में विविधता जाता है
इसका मतलब क्या है, वहां पर जो है कि जो जीवन है, जो जीवन है उसके कई रूप है और हम कई रूपों को इंजॉय कर सकते हैं। कल मैंने ये समझाया था आपको, ठीक है। अब देखें, अब विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यह पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। और यही पैराग्राफ है ना, देखिए यही पैराग्राफ आप इंग्लिश में भी देखेंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों जगह हमने रखा है। इसको हमने ये देखो एनसीईआरटी से रखा है और आज हम एनसीईआरटी डाल भी देंगे, ठीक है। आज एनसीईआरटी का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन। इसको हमने इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि हम कोई लाइन छोड़ तो नहीं रहे। अब यहां पर देखें, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो, समीर एक और समीर दो कौन, जिनकी कल हमने स्टोरी सुनाई थी, एक बच्चे की है ना जो कि न्यूज़पेपर बेचता है, एक व्यक्ति की जो सूट बूट में आता है। तो समीर एक और समीर दो जैसे दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी। अब देखो यहां पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति एनसीईआरटी को पढ़े तो कहेगा पता नहीं क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, लिख रहा है कि आपकी भी सहेलियां होंगी। हां है, लड़कियों के संदर्भ में बात कर रहा है। अब सोचो एनसीईआरटी जो कहना चाहता है वो देखो, मेरे नजरिए से देखो। अब यहां पर ठीक आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। सहेली का मतलब क्या हुआ, सहेली का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम खाते पीते उठते बैठते हैं, जिसके साथ हम पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, जिसके साथ हम कुछ सब कुछ बातें करते हैं। सहेली का मतलब जहां पर अपनत्व है। अब इसी चीज को देखिए, सहेली अलग है, सहेली की सोच कुछ अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, और दोनों लोग एक साथ रह रहे हो, अर्थात दोनों विविध होकर भी एक साथ हो, यही भारत की क्या है, खूबसूरती है। अर्थात यहां पर एनसीईआरटी यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से आपकी सहेलियां हैं, ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति के कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, और वो सब अलग अलग हैं, सबका खान पीन अलग है, सबका पहनावा अलग है, सोच अलग है, लेकिन बहुत सी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के को हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और हम इसको इंजॉय करते। आगे देखो क्या लिखा है, आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, तो जो हम लोग छोटे थे और दोस्त के घर पे जाते थे और उसके यहां पर जब खाना मिलता था तो हम क्या करते थे, खूब ठूस के आते थे और अपने घर पे शिकायत करते थे, मम्मी आप अच्छा नहीं बनाते हो। और वही दोस्त जब हमारे घर पर आता था तो उसको हमारा खाना अच्छा लगता था। समझो इस लाइन के इंपॉर्टेंस को, यह बताता है कि जब हम एक तरह की चीजों को बार बार जी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो ये जो मना मस्तिष्क है वह उससे थोड़ा सा अलगाव कर लेता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ नया मिलता है हमें उसमें मजा आता है। तो एनसीईआरटी कहता है कि जिस तरह से आप अपने सहेलियों के घर जाते हो, खाते हो, पीते हो, आपको अच्छा लगता है, ठीक इसी तरह से अब अपने देश के संदर्भ में सोचो कि अगर सभी के घर पर एक जैसा खाना बनता, सभी लोग एक जैसे तीज त्योहार बनाते, सभी के कपड़े एक जैसे होते, सभी का जो है कि जो कल्चर है वो एक जैसा होता, मजा नहीं आता। एनसीईआरटी इसके माध्यम से आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिस तरह से आप अपने सहेली के घर का खाना खा रहे हो, ऐसी सोचो भारत के सभी घरों में, सभी किचन में कितना अलग अलग तरह का भोजन बनता होगा, कितने अलग अलग तरह के कल्चर होंगे, कितने अलग तरीके से चीजों को बनाया जाता होगा, परोसा जाता होगा और आपको खिलाया जाता होगा। और सभी जगहों की चीजों को अगर हम खाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में जो विविधता है वह इतनी ज्यादा है कि कभी भी हम बोर नहीं हो सकते, कभी भी हमें नहीं लगेगा कि एक ही प्रकार का खाना कब तक खाएं। क्लियर? देखो जेल में समझना, एक बच्चे से इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया कि भाई आपने जो है कि एनसीईआरटी पढ़ा है, उसने कहा तो आप क्या जेल के एग्जाम्पल को, जेल में जो जीवन होता है, क्या आप एनसीईआरटी के माध्यम से समझा सकते हैं। समझना प्रश्न क्या था कि क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, उसने कहा हाँ, तो क्या आप जेल के रहन सहन को एनसीईआरटी के माध्यम से समझा सकते हैं। उसने एनसीईआरटी शानदार तरीके से पढ़ा था, उसने कहा कि सर एनसीईआरटी में एक चैप्टर है विविधता,
जो ये बताता है कि हर घर में कुछ अलग बन रहा है, हर घर में कुछ अलग तरीके से लोग सज रहे हैं, धज रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जेल में सब चीजें एक जैसी होती हैं। तो जेल आपको क्या करता है, एक तरह की कंडीशन में रहने को मजबूर कर देता है, और वह क्या होती है, एक पीड़ा होती है। जेल कोई नहीं जाना जाता, पीड़ा है। क्यों? एक तरह की चीजें मिलेंगी। जब तक घर पर हो, घर पर खाओगे, पड़ोसी के यहां खाओगे, दोस्त के मित्र के यहां खाओगे, स्ट्रीट फूड खाओगे, रेस्टोरेंट में खाओगे, इसको विविधता बोलते हैं। और जेल में एक रूपता, वह एक रूपता एक सजा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या उस बच्चे का आंसर सही था कि नहीं, क्या उस बच्चे का आंसर सही था कि नहीं, बताते चलो। अभी कहां, एनसीईआरटी की परतें खुलने वाली हैं। चल यहां पर तो अब देखिए, अलग तरह का यहां पर खाना खाया। अब एनसीईआरटी कहता है कि आपके जो सहेलियां होंगे, आप उनके घर जाते होंगे, आपने उनके साथ खाना खाया होगा, वह अलग त्योहार आपने उनके साथ मनाए होंगे, वह अपने त्योहारों पर अलग कपड़ा पहनते होंगे, और उनकी भाषा भी थोड़ी सी अलग होगी, और आपने भी अपनी सहेलियों के साथ रहते हुए कोई दूसरी भाषा सीखी होगी। तो इस तरह से एनसीईआरटी अब आगे क्या कहता है कि आप एक सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन से व्यंजन खाए हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी क्या कर रहा है, पहले उसने कहा, सहेली का एग्जांपल दिया, क्योंकि क्लास सिक्स के बच्चे को एनसीईआरटी समझाना चाहती है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि आप क्या करें, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाले भोजन सामग्री की सूची बनाइए। आपने देखा होगा कि जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक चीज मिलती है कि भैया आपको राजस्थानी थाली खाना है क्या, तो उसमें राजस्थान का खाना, पंजाबी खाना खाना है क्या, आपको दक्षिण भारत का खाना खाना है क्या, पूर्वोत्तर भारत का। हर थाली अलग अलग और हर थाली में मिलने वाला स्वाद अलग अलग, यही तो खूबसूरती है। और इसी विविधता को तो एनसीईआरटी इस तरह से आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि क्लास सिक्स का बच्चा कैसे सोचता, लेकिन इस टास्क को पूरा करेगा तो जरूर सोचेगा, और यही चीज एनसीईआरटी आपसे चाहती है। क्लियर? अब देखिए, आप अपनी मातृभाषा के अलावा आप उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके कुछ शब्द आप जानते हो। तो हम जब भारत में देखते हैं तो कुछ कुछ दूरी पर बोली और भाषा बदल जाती है। बोली और भाषा का जो बदलाव है, यह क्या है, विविधता है। यही विविधता क्या करता है, हमें समृद्ध बनाता है। आगे एनसीईआरटी इसी चीज को अलग तरीके से बताता है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों और साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियां पसंद हो। अब प्रश्न आएगा, ये एनसीईआरटी क्या करने लगा, एक कहानी की बात क्यों करने लगा। अब मैं आपको इसकी स्टोरी को, चूंकि पूरा मैं टेक्स्ट के लाइन टू लाइन बताऊंगा, समय ज्यादा लगेगा, अब मैं थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड करता हूं। अब देखिए, आप कल्पना कीजिए, दो कंडीशन की एनसीईआरटी ने आपसे कल्पना करवाया। आप क्या करें, आप एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक शॉप पर जाएं जहां पर कहानियों की ढेर सारी किताबें हैं, और सभी कहानियों में कोई राजा की, राजाओं की 10 तरह की कहानियां, ठीक है, लड़ाइयों की 10 तरह की कहानियां, भूतों की 50 तरह की कहानियां हैं। आप उस किताब पर क्या, उस दुकान पर क्या करेंगे, आपके पास पैसा होगा और कहानियां पसंद है तो जिस टाइप की कहानियां पसंद है आप ढेर सी किताबें खरीद के लाएंगे। अच्छा, ये जो कहानी लिखते हैं कौन लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी कल्पना शक्ति से उसको इमेजिन किया। जैसे हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हमें अपने साहसिक योद्धा पता चलते हैं, हमें लड़ाइयां पता चलती हैं, और हम उसके हिसाब से कहानी और कथा बनाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आगे कहता है कि आप कल्पना करिए कि जो कहानी लिखने वाले लोग हों, उनको एक ऐसा समाज मिले, समझना, जहां पर लोग एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह से कपड़े पहनते हैं, एक ही रंग के पहनते हैं, मान लो लाल कपड़े पहनते हैं, एनसीईआरटी कहता है, और मान लो एक ही तरह की चीज खाते हैं, आलू खाते हैं, एनसीईआरटी कहता है, और वह वहां पर होने वाली घटनाएं एक ही तरह की हैं, क्या कहानियां बन पाएंगी, क्या कई तरह की कहानियां बन पाएंगी। अरे भैया, जो समाज में दिखेगा उसी से तो कहानी बनेगी। तो समाज में जब सब लोग एक जैसा रह रहे, एक जैसे खा रहे, एक जैसे पी रहे, एक तरह का भोजन कर रहे हैं, एक तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहानियों में डाइवर्सिटी नहीं आएगी। तो आप एक कहानी पढ़ोगे, दो कहानी पढ़ोगे,
आपको क्या होगा, वो कहानी बोरिंग लगने लगेगी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो एनसीईआरटी कहता है ठीक इसी तरह से जैसे कहानीकार कहानी लिखते समय अलग अलग चीजों को बताते हैं, ऐसे ही हमारा समाज है। इस समाज में रहने वाले लोग अलग अलग तरह से जीवन जीते हैं, अलग अलग उनका इतिहास है, अलग अलग उनकी साहसी गथाएं हैं, अलग अलग उनके राजा हैं रानी हैं, अलग अलग उनके खान हैं पकवान हैं। इसी के कारण हमारी कहानियां भी हैं, और ये जो कहानियों की विविधता है ये बताती है कि भारत में विविधता है। अगर भारत में विविधता ना होती तो कहानियां एक जैसी होती, एनसीईआरटी यहां तक आपको सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इस चीज को समझ पाए? अब देखो एनसीईआरटी ने कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख दे दी। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, तो हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, जैन धर्म पढ़ते हैं, हम इस्लाम धर्म का आगमन पढ़ते हैं, हम वैदिक धर्म पढ़ते हैं, हम सनातन धर्म के मूल्यों को समझते हैं, हम ईसाई धर्म के प्रसार को समझते हैं, उनके उनके द्वारा की गई कार्यों को समझते हैं, उनके द्वारा बनाए गए मंदिर मस्जिद स्थापत्य को समझते हैं, उनके द्वारा विकसित हुई संस्कृतियों को समझते हैं। भारत यही तो है, यही तो भारत है। एनसीईआरटी कहता है कि अगर हमारा इतिहास ऐसा ना होता, हमारे यहां इतनी विविधता ना होती, तो क्या हमारे देश में इतना रोमांच होता? नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है, कि पूरा विश्व नहीं घूम सकते, कोई बात नहीं, भारत को घूम लो। अगर आपने भारत को घूम लिया, इसका मतलब पूरे विश्व को घूम लिया। एनसीईआरटी ये लाइन कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि अगर आपको पूरे विश्व में जो चीजें हो रही हैं उसके एग्जाम्पल देखने हैं, तो कहीं बाहर मत जाओ, अपने यहां पर देखो सब चीज हो रहा है। इसका मतलब भारत यहां पर, एनसीईआरटी यहां पर भारत के विविधता की क्या कर रहा है? बढ़ाई कर रहा है। पिछले पैराग्राफ में उसने बताया असमानता है हमारे समाज में, उसने बताया कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, अनएजुकेटेड हैं, और उसने यह भी बताया कि कई बार धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, और उसमें एक समीर की मां हो सकता है दुनिया छोड़ देती हो, पिछले पैराग्राफ में। और इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या बता रहा है? यही विविधता सभी बच्चों में रोमांच पैदा करती है, सबको अलग अलग तरह से कहानियां सुनाती है। क्योंकि ध्यान देना, जब ईसाई धर्म की कहानियां आप पढ़ोगे तो उसमें भूत भगाने वाले कैरेक्टर अलग होंगे, हिंदू धर्म की कहानियों भूत वाले पढ़ोगे तो उसके जो भूत होंगे वो अलग तरीके से भागेंगे, इस्लाम धर्म में अलग तरीके से। और यही विविधता क्या होती है हमारे देश में दिखती है, इसी चीज को एनसीईआरटी बताता है। क्या हम यहां तक समझ पाए? अब देखो जो मैंने आपको बताया स्वाति दुबे सर एनसीईआरटी स्टार्ट, बच्चे आपको कुछ नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती बच्चे यहां पर, अच्छा सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इतिहास के लिए बार बार मैसेज करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इतिहास हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं है, होगी तो सूचित कर दिया जाएगा। हाँ जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी है आप इतिहास कहीं और से कर सकते हैं, हम जितना सक्षम है उतना धीरे धीरे करेंगे, हमें कंगारू नहीं बनना है, क्योंकि कंगारू बन के हम कुछ और बन सकते हैं, अधिकारी नहीं बन सकते। जो पढ़ रहे हो बच्चे सही से पढ़ो, इस क्लास का कोई वैल्यू नहीं है, इस क्लास का कोई मूल्य आप नहीं लगा सकते हो, है ना, आप समझो इसको। देखिए मैंने जो आपको बताया इसको पढ़िए, एक सेकेंड, देखिए ये जो देखिए टेक्स्ट, देखिए जो इमेज बना हुआ है इसके ऊपर टेक्स्ट देखिए, क्या यहां पर लोक कहानियां किताबें स्रोतें, है ना, ये सब चीजें जो दिख रही हैं, क्या ये आपको दिख रहा है? हमने यही पैराग्राफ क्या किया है यहां पर कंप्लीट करवाया, ठीक है, यही हमने आपको पढ़ाया। उसके बाद अब देखिए मैंने जो आपको आलू की बात की थी, कपड़े की बात की थी, वो देखिए ये रहा पैराग्राफ। देखिए मैंने एक जगह अंडरलाइन कर रखा है, ऐसी जगह पर रहकर ये कैसी कहानियां लिखेंगे। ऊपर देखो मैंने एक ही तरह की खान पीन वाली लाइनों को अंडरलाइन किया है, क्लियर। इस तरह से एनसीईआरटी ने हमें अपने देश की विविधता से हमारा क्या करवा दिया,
पर्चे करवा दिया। अब जब पर्चे करवा दिया तो यही चीज यहां पर हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है और इसका हम पीडीएफ आज जो है कि डालेंगे। दूसरी चीज, इसी चीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें एक पैराग्राफ मिलता है कि हम विविधता को कैसे समझें। अब देखो क्या यही पैराग्राफ है, हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ये देखो हमने जो अभी दिखाया उसके बगल में ही देखो हम विविधता को कैसे समझें। ये वाला पैराग्राफ अब मैं समझाने जा रहा हूं, ये वाला पैराग्राफ मैं समझाने जा रहा हूं। चल अब यहां पर एनसीईआरटी ये कहती है कि करीब 225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे हिस्से में जाते थे। और एक क्षेत्र से दूसरे हिस्से में क्यों जाते थे, लोग जाते थे, अच्छा किससे जाते थे, वो घोड़े पर बैठ के जाते थे, ऊंट पर, पैदल या बैलगाड़ी से। ये लोग किस लिए करते थे कि भैया जब इनको लगता था कि यहां पर ये रहते हैं, यहां पर रहते हुए ये कृषि कार्य बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। यहां की मिट्टी, भूमि मिली, उपजाऊ मिली, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक इसी तरह से यह व्यापार के लिए, यहां पर व्यापार नहीं चल पा रहा है, यह दूसरे स्थान पर गए व्यापार करने लगे। देखो एनसीईआरटी क्या आपको बता रहा, समझना ध्यान से। फिर उसके बाद क्या होता था, कुछ लोग जो है कि यहां पर काम की तलाश में जाते थे, कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़कर जाते थे, और जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो समझना अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि हमारे देश में विविधता बनी कैसे, उसको बता रहा है। अब हम यहां से जब गए हैं तो हम यहां पर बसेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो लोग रहते होंगे हम उनसे कुछ चीजें सीखेंगे और हम अपने साथ लाई गई कुछ चीजों को हम अपना कर रखेंगे। हम यहां पर गए, हमने देखा अरे भैया यहां पर तो लोग पकवान अलग तरीके से बनाते हैं, खाना अलग तरीके से बनाते हैं, हमने सीख लिया। हमने देखा यहां पर लोग कपड़े अलग तरीके से पहनते हैं, हमने भी थोड़े से कपड़े में चेंज कर लिया। क्या नहीं बदला, हमने कहा कि नहीं हमारे देवी देवता इनके देवी देवता से अलग हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी धार्मिक मान्यता इनसे थोड़ी अलग है, हमने उसको बचा कर रखा, हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को क्या किया, बचा कर रखा। इसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति प्रवास करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वह बसता है, तो एनसीईआरटी कहती है कि वह कुछ चीजों को, अपनी कुछ चीजों को कंटिन्यू करता है, वो कुछ चीजों को सीखता है, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे समाज में विविधता बढ़ती चली जाती है। यह विविधता कैसे आई होगी, ये विविधता कैसे आई होगी, पहले भारत के लोग, देखो एनसीईआरटी जो बता रहा, मैंने कुछ नहीं बोला हूं, एनसीईआरटी बता रहा कि पहले भारत के लोग अपने यहां पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहे, तो मान लो यह हमारा क्षेत्र और यहां से लेकर यहां तक कुछ लोग इधर से इधर आए होंगे, कुछ लोग इधर से इधर आए होंगे, कुछ लोग इधर से इधर गए होंगे, कुछ लोग इधर से इधर, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे, इससे डायवर्सिटी बनती रही। फिर क्या हुआ, बाहर से लोग आना चालू किए। बाहर से कौन से लोग आए, बाहर से जो गल्फ कंट्री हैं वहां से लोग आए, गल्फ कंट्री से आए, बाहर से कहां से लोग आए, यूरोप से लोग आए, बाहर से कहां से आए, चीन से बहुत से लोग आए, किस लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, है ना, हमसे कुछ सामान खरीदने के लिए आए, हमसे कुछ, हमें कुछ सामान बेचने के लिए आए। और धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में विविधता बढ़ती चली गई। और भारत में विविधता क्यों चलती बढ़ती चली गई, क्योंकि भारत ने सभी जगहों से आने वाले लोगों को स्वीकार किया। यहीं पर एनसीईआरटी बताता है कि भारत का जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वह पहले इतनी अलग नहीं थी, उसमें इतनी विविधता नहीं थी, लेकिन भारत के लोगों ने बाहर से आए हुए चीजों को अपनाने के लिए प्रति वो क्या थे, बहुत प्रगतिशील थे, ओपन माइंडेड थे, जो जैसा आया, जो जिस तरह से रहना चालू किया, हमने उसको रहने दिया, और इस तरह से हमारी संस्कृति बनी। तो हमारी जो संस्कृति है उसको बोलते हैं सामासिक संस्कृति, उसको बोलते हैं ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों एनसीईआरटी हम पीडीएफ दे देंगे इसका, और जो नोट्स मिलेगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। आपको पूरा जो फोकस करना है सिर्फ समझने पर, समझोगे नहीं एनसीईआरटी से कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा,
और क्लास में कंसंट्रेशन के साथ बैठे रहोगे, सुनते रहोगे, तो आपको लगेगा कि बाप रे क्या जान गए। देखो, तो हमने कहा हमारी जो संस्कृति है वो सामासिक संस्कृति। सामासिक संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें कई संस्कृतियों का मेल है, जिसमें आप किसी एक चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, मिली जुली है। जैसे खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी में सभी चीजें मिल जाती हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भैया ये चावल अलग कर दो, है ना, सब्जी अलग कर दो, मटर अलग कर दो, आलू अलग कर दो, तेल मसाला अलग कर दो, ना, सब चीजें मिल चुकी हैं। ठीक इसी तरह से हमारी जो संस्कृति है वो सामासिक संस्कृति है। वो सामासिक संस्कृति कैसे बनी? लोगों के आवागमन से। अब देखिए यहां पर एनसीईआरटी क्या बताता है। यहां पर जहां पर मैंने उंगली रखा है, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए थोड़ा सा, कि जब लोग नई जगह पर बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीजें भाई नई जगह की, एक सेकेंड देखो जो बढ़, हाँ ऐसे, हाँ यहां पर देखिए, तो कुछ चीजों में वो पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं तथा इस तरह से उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में कुछ नए और पुराने मिश्रण आ जाते हैं, और नए और पुराने मिश्रण से ही हमारी एक मिलीजुली संस्कृति बनती है, जिसको मैंने आपको नाम दिया सामासिक संस्कृति। अब देखो, आप हिंदू धर्म में बहुत से परंपराओं को देखते हो, जैसे एक त्यौहार है करवा चौथ, करवा चौथ का त्यौहार है। ठीक इसी तरह से बच्चों के लिए एक उत्साह का दिन होता है, कौन सा दिन? वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन डे, ये करवा चौथ कहां से आया? हमने चीजों को क्या किया? एडॉप्ट किया। इस मीडिया ने आपके दिमाग में ये चीज भर दी, बच्चियों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में भर दी, कि अगर आपने क्या किया, छलनी से अपने पति का मुंह नहीं देखा तो क्या होगा? वो जीवित नहीं रहेगा। अब क्या हो रहा है? हम लोग पहले उनके लिए कुछ और तरह से तीज त्यौहार करते थे, अब सब क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सज धज के तैयार होकर और दिन भर भूखे प्यासे रहकर वो अपने पति को बचाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये खत्म ना हो जाए। हालांकि दूसरी बात है कि खाना खाने के बाद उसी को हड़काती भी हैं, उसी को डराती भी हैं। ये क्या हुआ? ये हमने संस्कृति के रूप में सीखा। वैलेंटाइन डे क्या था? कुछ नहीं था। भारत के लोगों ने क्या किया? सीखा। इस तरह से क्या होता है, एनसीईआरटी यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जैसे जैसे समाज में डाइवर्सिटी आती है, यह डाइवर्सिटी समाज में विविधता लाती है और समाज के नए रूपों को उभारती है। एनसीईआरटी अब आगे चलकर इसी अगले पैराग्राफ में शहरी क्षेत्र की बात करता है। यहां पर चलो, एनसीईआरटी अगले पैराग्राफ में शहरी क्षेत्र की बात करता है और यह कहता है कि शहरी क्षेत्र में जो कहता है एनसीईआरटी, खुद सुन रही, अब देखो, मैंने जहां पर हाथ रखा है उसको देखिएगा, ये देखिए इस पैराग्राफ को देखिए सब लोग। अब देखो, देखो शहरों में अक्सर लोग, देख रहे हो, शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों के लोग अपनी सब्जी और अनाज खुद नहीं उगाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एनसीईआरटी ये कहना चाहता है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो विविधता है उसको कम करके समझा जाता है। यहाँ पर विविधता हमें कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है? क्योंकि इस विविधता से क्या हो चुका है, शहरी क्षेत्र क्या है, प्रकृति और पर्यावरण से दूर है। अगर प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े होते तो ये विविधता को ज़्यादा समझते। शहरी क्षेत्रों में विविधता क्यों कम है? क्योंकि सभी लोग, ध्यान देना, सभी लोग एक ही प्रकार के अनाज लेकर आ रहे हैं, सभी लोग एक ही प्रकार के घर में रह रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि सबके पास कंपटीशन है। अरे भैया वो गाड़ी में चलता है, वो ऐसे कपड़ा पहनता है, वो ऐसा टाई पहनता है, इस तरह से। तो शहरी क्षेत्रों में जो विविधता है वह कम होती चली जाती है। लेकिन भारत के सब अगले अगले लाइन में
अगले पैराग्राफ में भारत में क्या है, भारत में शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों मिलकर भारत की विविधता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस विविधता को समझाने के लिए एनसीईआरटी अब आपको एक टास्क देता है। क्या टास्क देता है इसको मिटाता हूं। देखो जितना अभी मैं बता रहा हूं, जितना मैं आपको बता रहा हूं उस सब क्या करूंगा, यहां पर नोट्स बना के लाया हूं, ये भी दूंगा हिंदी इंग्लिश में, लेकिन पहले समझने वाला काम, पहले समझने वाला, नहीं तो ये कुछ नहीं है। ऐसे नोट्स कितने मिल रहे हैं, नोट से कुछ नहीं होता, समझ से होगा। जो समझा रहा हूं उसको समझो और इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना। और हमने देखा है ऑनलाइन क्लासेस में 20,000 रुपए एनसीईआरटी क्लास में, 20,000-30,000 कब पता है, जब 70% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट पर एनसीईआरटी की क्लास मात्र 25,000। तो जो लोग ये एनसीईआरटी क्लास कहीं से किए होंगे ना 25,000 में, आप उनसे पढ़ना, उनसे कहना कि भैया आओ 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 क्लास 6 की एनसीईआरटी लेकर आओ, आओ थोड़ा बैठो हमारे साथ, जो जो एनसीईआरटी में पढ़ा दूंगा उस पर बात करना उनसे। उसको दुख ये नहीं होगा कि उसका 25,000 चला गया, उसको दुख ये होगा कि अब वो पीछे छूट गया, कैसे अब इस क्लास में भी आकर उसको पढ़ना होगा। क्लियर? चलो यहां पर पहले तो आगे समझते हैं। तो एनसीईआरटी हमने क्या कहा, एनसीईआरटी आपको दो एग्जांपल देता है। चलिए वो क्या लिखा है मैं वही बता देता हूं। एनसीईआरटी आपको एक टास्क देता है और टास्क के माध्यम से भारत की विविधता को समझाने का प्रयास करता है। ये देखिए जहां पर मेरा हाथ उंगली है वहां देखिए, देखिए क्या लिखा है। आइए भारत के दो लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। दिखाइए, दिखा दिखाइए सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे भैया अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लो, अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाओ, 144 पर, 240 पर, 360 पर अगर क्लास देख रहे हो तो क्लास की क्वालिटी बढ़ा लो। डेटा बचा कर क्या करोगे, रील्स देखोगे, रील्स देखोगे, हाँ यूट्यूब पर मस्ती भरे वीडियो देखोगे, इसके लिए क्लास खर्च करिए। अब देखिए अब यहां पर क्या करता है एनसीईआरटी, आपको दो स्थानों की तुलना करवाता है और दो स्थानों की तुलना करके वहां की विविधता को क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। हम दोनों स्थानों को ले लेते हैं। पहला स्थान है लद्दाख, ठीक, एक स्थान है लद्दाख, दूसरा जो स्थान है केरल। मैं नहीं ले रहा हूं ये एग्जांपल, ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने ही देखे दिए हैं। देखो देखो यहां पर देखो, ये देखें लद्दाख दिखा हमारे उंगली के ऊपर, देखिए ये देखिए, दिखा लद्दाख, लद्दाख दिखा, सबको दिखा। चलो अब उसके बाद अगले पेज पर देखिए केरल, ये देखो केरल दिखा, दिख गया। क्लियर? अब देखो अब यहां पर यह समझाने का एनसीईआरटी हमें प्रयास करता है। एनसीईआरटी का जो पूरा अप्रोच है वो ये है कि आखिर लद्दाख और केरल में अलग अलग हमें विविधता क्यों देखने को मिलती है, यहां के लोग विविध क्यों हैं, यहां के क्यों लोग अलग हैं, उसके पीछे की समझिए। तो पहला आधार है जलवायु, पहला आधार है जलवायु। यहां की जो जलवायु है वो क्या है, लद्दाख की जलवायु ठंडी है, ठंडी में खूब ठंडी पड़ती है, यहां पर क्या होता है बर्फ पड़ता है और यहां पर क्या होता है वर्षा नहीं होती। एनसीईआरटी लिखता है कि ये क्या है, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं,
जो है कि ठंडा मरुस्थल बोलते हैं। दूसरी वो केरला के विषय में बताता है, ये क्या है, यह पर्वतीय, ध्यान देना, पर्वतीय और तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय और तटीय राज्य है जिसके जो समुद्र के किनारे हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, और यहां पर क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, वर्षा ज्यादा होती है। इसके विषय में बताया जाता है यहां के जो लोग रहते हैं वह पशुओं पर ज्यादा निर्भर होते हैं, पशुओं पर ज्यादा निर्भर, और पशुओं से वो क्या प्राप्त करते हैं, वह दूध प्राप्त करते हैं, दूध के कई प्रोडक्ट अर्थात कई उत्पाद बनाते हैं, और यहाँ के लोग जो है दूध के साथ मांस पर भी इनकी निर्भरता ज्यादा होती। वहीं यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं, यहाँ के लोग चावल उपजाते हैं, यहाँ पर मछली पकड़ते हैं और उस तरह की चीजों को क्या करते हैं, ये खाते हैं। देखो आगे आगे यहां पर एनसीईआरटी, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, कुछ भी अपनी तरफ एनसीईआरटी ने जो लिखा है देख लो। यहां पर यहां के विषय में कहा जाता है कि यहां के लोग खास प्रकार का, खास प्रकार का ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन वुलेन, ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये ऊन जो प्राप्त करते हैं, और इस ऊन का नाम है पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन, ठीक है, और ये जो पश्मीना ऊन है किससे प्राप्त होता है, भेड़ से, अर्थात ये लोग क्या करेंगे पशुओं में किसके पर, भेड़ पर इन पर निर्भरता इनकी ज्यादा होगी, भेड़ और दूसरे जंतुओं पर इनकी निर्भरता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए इस पश्मीना ऊन से ये लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार किस चीज कर करेंगे, पश्मीना ऊन से ये लोग क्या करते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर रही है, एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर रही है। कैसे, आपको यहीं से बेसिक चीजों में बताने का प्रयास कर रही है कि देखो भूगोल कैसे संस्कृतियों में बदलाव लाता है, कैसे हमारे समाज में विविधता लाता है, भारत की विविधता के पीछे भूगोल का रिस्पॉन्स, भूगोल जो है वह किस तरह का रोल प्ले करता है, वहां पर एनसीईआरटी इस चीज को समझाने का प्रयास कर रही है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो पश्मीना शॉल बनाते हैं, और ये शॉल क्या होता है, महंगा होता है, क्यों महंगा होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलने वाले ऊन से बनाया जाता है, और ये शॉल क्या होती है, काफी गर्म होती है, और गर्म इसलिए होती है कि भाई भेड़ के ऊन से बना है, क्या है वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, तो पहले उन लोगों ने अपने लिए बनाया होगा, फिर उसको क्या किया, व्यापार वो करने लगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह जो लद्दाख वाले क्षेत्र हैं, यह कहा जा रहा है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखो मैं जो लाइन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देखना ऐसा, एक सेकंड देखिए, ये देखो अभी देखना साफ होगा, हाँ अब देखो लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, इसका मतलब है इसके नीचे वाली जो लाइन थी जो नीचे की ओर है, इसमें कहा जा रहा है कि लद्दाख की जलवायु कठोर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर व्यापार नहीं होता, यहाँ के लोग भी कृषि कार्य के साथ साथ व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यह लद्दाख जो है, यह लद्दाख व्यापार के लिए भी जाना जाता है, कैसे, जो मध्य एशिया, मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र है, मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र है, जब अफगानिस्तान से आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो जितने भी ये देश हैं ये मध्य एशिया में आते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि मध्य एशिया से आने वाले व्यापारी क्या होते थे, यहां लद्दाख तक पहले भी आते थे, अर्थात जब अंग्रेज नहीं आए थे तब भी इसी क्षेत्र का महत्व था। और आगे लिखा गया है कि यही लद्दाख है, ध्यान देना यही लद्दाख है, इसी लद्दाख के सहारे, इसी लद्दाख के सहारे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, कहां, तिब्बत पहुंचा। अब देखो एनसीईआरटी ने आपको कितनी बड़ी चीज दे दी, आपको क्या बता दिया, इसी लद्दाख से होकर बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और तिब्बत के लोग कौन से धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म, जो दलाई लामा है, जो कि उनको चीन, जब चीन ने क्या किया तिब्बत पर आक्रमण किया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उनको भागकर आना पड़ा, तो भागकर आना पड़ा, तो किस धर्म को मानते, बौद्ध धर्म। तो आपसे पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म पहुंचा कैसे था, तो इसी लद्दाख वाले क्षेत्र के सहारे पहुंचा था।
ठीक है, आगे बताया जाता है कि लगभग इसी ये जो लद्दाख के लोग हैं, लगभग 400 साल पहले यहां के लोग क्या हुए, इस्लाम धर्म से परिचित हुए, यहां के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब यहां के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, कई संस्कृतियों को देखा। पहले यहां के लोग रहते थे, वो अपनी संस्कृति से मिले जुले रहते थे, फिर यहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ तो बौद्ध धर्म की मान्यताएं लद्दाख में फैली, फिर इस्लाम धर्म 400 वर्ष पहले यहां पर फैला, उसकी मान्यताएं फैली, और इस तरह से क्या हुआ, लद्दाख में विविधता बढ़ती चली गई। आगे लिखा है, लद्दाख में कविताओं का कई संग्रह है, और इसी में एक शब्द है केसर सागा। आपसे पूछा जा सकता है क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है केसर सागा क्या है, तो केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, जिसको यहां पर बौद्ध धर्म, ध्यान देना, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म मानने वाले दोनों धर्म के लोग इसको क्या करते हैं, गाते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। जैसे आपने आल्हा उदल सुना होगा, आल्हा उदल सुना है, ठीक उसी तरह से केसर सागा आपसे पूछा जा सकता क्या है, तो यहां पर कविताओं का संग्रह, यहां की कहानियों, यहां की जो कथाएं होती है उसके संग्रह को बोला जाता है केसर सागा, जो यहां पर हर धर्म के लोग क्या करते हैं, इसको इंजॉय करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पर यह जो एनसीईआरटी है यह बताने का प्रयास करता है कि यह जो लद्दाख है, जो कि सामान्यतः वो बहुत जटिल क्लाइमेट को धारित किए हुए, बावजूद इसके ये भी यहाँ का समाज भी विविधता मूलक है, और यहाँ पर विविधता कैसे बढ़ी, इसी चीज को बढ़ाता। अब देखो केरल के संदर्भ में वो बात करता है ना, केरल, तो केरल के संदर्भ में कहता है कि भाई इसके पश्चिमी साइड में पर्वतीय भाग है, पूरब में क्या है, पर्वत है, कौन सा पर्वत, पूर्व जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो, और इसके पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है। फिर यहां पर बताता है कि जिस तरह से यहां पर यह जो क्षेत्र है लद्दाख, यहां पर व्यापारी आए, तो इसी तरह से यहां पर भी क्या है, यह भी क्षेत्र व्यापारी दृष्टिकोण से लंबे समय से यहां पर व्यापारी आते रहे, और यहां पर सबसे पहले व्यापारी कौन से आए, अरबी और यहूदी। अब आप देखना, एक चीज बताने जा रहा हूं जो मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज, यहूदी जिनका देश कौन सा है, इजराइल। तो आपने देखा होगा कि इजराइल के लोग भारत को लेकर बड़ा सॉफ्ट रखते हैं, इजराइल के लोग भारत के साथ बड़ा अपनत्व तो महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि जब उनका देश, उनका कहना है कि जब हमारा देश हुआ करता था, अपना देश था, आज जो जिस इजराइल वाले क्षेत्र में वो रहते हैं, जिसके संदर्भ में बोला जाता है कि वो जबरदस्ती आकर रह रहे, तो उनका कहना होता है कि भैया हम पहले जब यहां पर रहते थे, जब हमको यहां से भगा दिया गया, हम भागकर यूरोप गए, यूरोप में हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, फिर हम दोबारा भागकर इजराइल आए, तो यह कहते हैं कि जब हम इससे पहले यहां पर अपने मूल क्षेत्र में रहते थे तो हम व्यापार करते थे भारतीयों के साथ, और जब यहूदी लोग भारत आते थे तो भारत के लोग बड़ा अपना प्यार दिखाते थे, आओ 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 भाई आओ बैठो, यही तो भारत है। यही तो एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है आपको स्टोरी के माध्यम से कि भारत की विविधता बनी कैसे है, इसमें ग्लोबल चीजें क्यों दिखाई देती हैं, क्यों हम पिज्जा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, समोसा भी खाते हैं, इडली भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं, क्यों, क्योंकि हम मोमोज वगैरह चाउमीन भी क्यों खाते हैं, कि भारत क्या करता है, स्वीकार करता है जो भी लोग आते हैं, जो भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जो अपनी चीज साथ में लेकर आते हैं हम खा लेते हैं। आप देखो कि आपका कोई दोस्त है ना, कहीं पोस्टेड हो, जैसे हमसे मिलने बहुत से स्टूडेंट जब आते हैं तो कहते हैं सर मैं यहां पर पोस्टेड था, हम कहते हैं बहुत अच्छा सर वहां से चीज लेकर आए हैं और हमको खिलाता है, यूनिक चीज लगता है, यूनिक क्यों लगता है, हमने ऐसा खा ही नहीं था। तो उससे क्या पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो चीजें विकसित हुई हैं उनका एक इतिहास है। यही चीज भारत के संदर्भ में एनसीईआरटी यहां पर बताता है कि ये जो विविधता है एक दो दिन में नहीं बनी भाई, यहां पर केरला के संदर्भ में जैसे यहां पर बताया कि बौद्ध लद्दाख में बौद्ध धर्म कैसे आया, इस्लाम धर्म कैसे आया, उसी तरह से यहां पर सबसे पहले अरबी और यहूदी है। आगे एनसीईआरटी बताता है कि
कि संत थॉमस जिनके माध्यम से ईसाई धर्म भारत में आया, वो करीब 2000 साल पहले वो कहां पर आए थे? इसी सबसे पहले केरल में आए। इसका मतलब देखो, ये आपको बताने का एनसीईआरटी प्रयास कर रहा है। मैं दिखा देता हूं ये वाली लाइन, ये देखो क्या जो बता रहा हूं वही है कि नहीं? देखिए, संत थॉमस को हमने अंडरलाइन कर गोले से घेर रखा। देखो, दिखा हमारे उंगली के ऊपर, देखिए, दिखा क्लियर। अब देखो, तो कहा जाता है कि संत थॉमस यहां पर 2000 साल पहले आए, और फिर आगे चलकर आपको याद हो तो इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता है ना, जो आप गाना भी गाते हैं। और इब्न बतूता जब आया तो उसने देखा, अरे एक अनोखी चीज उसको देखने को मिली। उसने देखा कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के साथ यहां पर बड़ा अच्छा व्यवहार होता है। ये क्या था? भारत की संस्कृति अपनाने की। और यही चीजें बढ़ते बढ़ते क्या कर रही हैं? विविधता ला रही हैं। सोचो, केरल में पहले जब संत थॉमस के माध्यम से ईसाई धर्म नहीं आया था, उससे पहले सोचो यहूदी नहीं आए थे, अरबी लोग नहीं आए थे, तब उनका कल्चर एक जैसा रहा होगा, लेकिन समय के साथ क्या होगा? डायवर्सिटी बढ़ती चली गई होगी। अब देखो, आगे कर चलकर कहा जाता है कि यहां पर जो केरल है इसमें हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई है ना, सभी धर्मों के लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि केरल एक ऐसे स्थान पर है जहां पर हर धर्म के लोग आते रहे। केरल में क्यों लोग आते रहे हैं? एनसीईआरटी आगे बताता है, ये जो केरल है इसका क्लाइमेट क्या है? मसाले के अनुकूल है, और मसालों को प्राप्त करने के लिए, यहां के केरल में जो चीजें होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते रहे, बसते रहे। वह जो भी लोग आए, चाहे वो केरल में आए हो, लद्दाख में, या भारत के किसी हिस्से में, वह जो चीजें लेकर आए हमने उसको भी अपना लिया, और हमने भी उनको अपनी कुछ चीजें दे दी। यही तो कारण है कि भारत में विविधता क्या हुआ? बढ़ता चला गया। आज केरल में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, खान पान में आपको एक समानता मिलेगी। खूब लोग, सभी धर्मों के लोग चावल खूब खाते हैं, मछली खूब खाते हैं, नारियल का उपयोग खूब करते हैं। ये क्या है? विविधता के साथ एक रूपता को भी दिखाता है। क्लियर? अब देखो, यहां पर एक शब्द है चीना वाला। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये चीना वाला क्या है? ठीक है, चीना वाला, देखो तो चीना वाला क्या है? जाल है। आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे शब्द बहुत पूछे गए हैं, यूपीएससी ऐसे शब्दों को खूब पूछता है। आपसे पूछा जा सकता है ये चीना वाला क्या है, तो आप बताना, चीना वाला ऐसे मछली पकड़ने के ऐसे जाल जो चाइना के लोग यूज करते हैं। चाइना के लोग जिस तरह के मछली पकड़ने के जालों का प्रयोग करते हैं, वैसी ही जाल जो हम केरला में देखते हैं, इसको बोलते हैं चीना वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या समझा कि किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र का भूगोल क्या है? उसकी विविधता का कारण है कि नहीं? देखो, केरल अलग है और लद्दाख और केरल दोनों क्या हुए? दोनों का भूगोल अलग, तो दोनों जगहों पर रहने वाले लोगों का खान पीन, रहन सहन, पहनावा अलग। ये लोग क्या करते होंगे? केरला के लोग इनके यहां ठंडी नहीं पड़ती, तो मोटे मोटे ऊन के कपड़े ही नहीं पहनते। यहां के लोग, ठंडी खूब पड़ती है, यहां के लोग क्या करेंगे ठंडी के समय? ये कम सक्रिय होंगे। ये लोग जो गर्मी के समय बचा कर रखते हैं, चाहे वो मांस हो, ऊन हो, या फिर ठंडी के समय इनके जो आर्थिक क्रियाएं होती है बहुत सीमित होती है। गर्मी के समय ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है ठंडी के समय, क्योंकि घरों में कैद होना पड़ता है। वहीं यहां पर लोग वर्ष भर सक्रिय रहेंगे।
यहाँ के लोगों के लिए वर्ष भर भोजन उपलब्ध है और वर्ष भर भोजन उत्पादन करते हैं, यहाँ के लोग नहीं करते। यहाँ के लोगों का तीज त्योहार क्या होगा, जब बर्फ समाप्त होगी तब ये लोग इंजॉय करेंगे, और यहां पर क्या होगा, जब वर्षा आएगी तब ये लोग इंजॉय करेंगे। यहां के लोग जो अपना नृत्य करेंगे वह अलग होगा और इनका नृत्य अलग होगा। इनके पूजनीय स्थल या पूजनीय जो प्रकृति के रूप हैं वह अलग होंगे, इनके अलग होंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा भूगोल है, किसी भी क्षेत्र का भूगोल, किसी भी क्षेत्र का इतिहास, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से जो है कि केरला में ईसाई धर्म के लोग आए, यहूदी धर्म के लोग आए, इस्लाम धर्म के लोग आए, किस तरह से लगता, तो भूगोल, इतिहास, ठीक है, व्यापार, व्यापार, ठीक है, कृषि उपज है ना, विश्व से जुड़ाव, विश्व से जुड़ाव, ये अधिक ये अनेक कारण हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे देश में विविधता का कारण बन जाते हैं। हम अपने देश को देखें तो पश्चिम का भूगोल अलग जो है कि पूरब का अलग, और भूगोल अलग होने की वजह से जो विविधता होती है अलग, हर जगहों पर का इतिहास अलग अलग रहा है, हर जगह पर व्यापार अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों का होता रहा है, इसलिए विविधता। कृषि का रूप हमें अपने देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है, इसीलिए क्या होगा, विविधता। ठीक इसी तरह से विश्व से जो जुड़ाव है वह लद्दाख के लोगों का अलग रहा है, केरल के लोगों का अलग रहा है, लेकिन व्यापार सब करते थे, इसीलिए हर जगह की संस्कृति में हमें क्या होगा, अलग अलग चीज देखने को मिले। क्या हम यहां तक समझ पाए, क्या हम यहां तक की चीजों को समझ पाए? नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपको बस सुनना है, और इस तरह की जो चीजें मैं लिखता चलूं, थोड़ा बहुत लिखता चलो, जैसे मैंने ये चीजें लिखा आपको भी ये लिख लेना था, बाकी तो ये सब चीजें मैं आपको क्या करूंगा, नोट्स बना कर दूंगा। क्लियर? अब देखो तो ये चीजें हो चुकी, अब हम भारत में विविधता के प्रकार को, अर्थात यहां पर एनसीईआरटी ने क्या किया है, अपनी बात कंप्लीट की और इसने विविधता में एकता की बात की, जिस पर हम अलग कल बात करेंगे विविधता। लेकिन चूंकि हमने कहा था, हम देखो ये विविधता में एकता, इस पर हम कल बात करेंगे, अभी अब आपको हम अपना कंटेंट देते हैं। चूंकि हमने कहा था हम क्लास 6 के एनसीईआरटी जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्टेंट इतना अलग देंगे कि आपको लगे कि अरे बाप रे क्लास 6 के एनसीईआरटी में, तो यहां पर आओ। अब भारत में विविधता को समझो, तो भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग हमें देखने को मिलते हैं, तो भाषाई आधार पर जो विविधता है वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलती है, और ये भाषाई विविधता हमारी विविधता का एक रूप है। ठीक है, तो भारत की प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उसके उप क्षेत्र की अपनी अलग भाषा या बोली है। वर्ष 2018 के भाषाई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां हैं जो कि मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखो, ध्यान देना, अब इसको इंटरलिंक करो एनसीईआरटी से, इसको एनसीईआरटी से इंटरलिंक करो। हमने कहा कि भारत में भाषाई विविधता कैसे आई होगी, विविधता कैसे आई होगी, केरला लद्दाख याद करो, अलग अलग जगह से लोग आए होंगे, अपनी अपनी भाषा बोली लेकर आए होंगे, एक जगह से लोग दूसरे जगह पर गए होंगे, दूसरे जगह से तीसरे जगह पर गए होंगे, भाषा और बोली में परिवर्तन आया होगा। अगर सभी लोग एक जैसी कंडीशन में रहते, एक जैसी भाषा और बोली बोलते, विविधता ना होती। कहानी याद करो, हमने कहा कि कहानी के जो लेखक हैं, जो कहानीकार हैं, अगर वो एक ऐसे समाज में रहते जहां पर सब लोग एक जैसा खाना खाते, एक जैसे कपड़ा पहनते हैं, तो क्या यहां पर विविधता होती, नहीं होती। क्लियर? यहां पर भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनके आधार पर उन्हें हम चार भाषाई समूहों में डिवाइड कर सकते हैं। यह एडवांस नोट्स है जो मैं एनसीईआरटी के साथ आपको दे रहा हूं। मैंने कहा था क्लास मिस मत करना, एनसीईआरटी में इतना पढ़ा दूंगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आगे देखो, तो कौन कौन सी चार भाषाएं हैं उनको देखो।
पहला है इंडो आर्यन भाषा समूह। इस भाषा समूह के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बिहारी, असमिया, सिंध, पंजाबी, उड़िया आदि भाषा बोली जाती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो अगर हम देखें तो इधर यह जो क्षेत्र है इसके उत्तर में ये जो क्षेत्र है ना, थोड़ा सा दक्षिण ऐसे, यहाँ से यहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है इसको बोलते हैं इंडो आर्यन भाषा। तो आपसे पूछा जा सकता है ये इंडो आर्यन भाषा समूह क्या है, तो आप कहना भैया जो हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई बिहारी, कोई भोजपुरी, कोई असमिया, कोई सिंध, कोई पंजाबी, कोई उड़िया, ये सब क्या है इंडो आर्यन भाषा में। इंडो कौन सा क्षेत्र है, इंडिया, आर्यन कौन, कहा जाता है कि आर्य सबसे पहले आए, आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया, वही वाला बात है। तो इंडो आर्यन का मतलब है कि आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो इंडिया के क्षेत्र में बोली जाती है, इंडिया के क्षेत्र में आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा इंडो आर्य। दूसरा भाषा कौन सा है, द्रविड़ भाषा समूह। इसके अंतर्गत दक्षिण भारत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और गोंडी भाषाएं आती हैं, अर्थात इसके दक्षिण वाला भाग। समझ रहे हो, देख रहे हो विनोद, विनोद देख रहे हो कहां से तुमको कहां पहुंचा रहे हैं, पढ़ लेना कहीं एनसीईआरटी, कहीं पर भी पढ़ लेना बच्चे, 3 लाख की कोचिंग, 3 लाख की कोचिंग, 3 लाख मुखर्जी नगर में रह के खर्च, ठीक, और फिर इस क्लास को देखना तब पता चलेगा कि भैया धोखा हो गया, गुरुजी ने धोखा कर दिया, पहले क्लास चालू कर दिए होते तो बच गया होता 5-6 लाख रुपया। का करें, तैयारी कर रहे थे, आपके लिए रिसोर्स इकट्ठा कर रहे थे, अगर रिसोर्स ना होता तो फ्री में क्लास पहुंच पाती ना, पहुंच पाते। चलो आगे आओ, फिर एक है आष्टिक भाषा समूह। यह प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में बोली जाती है, ध्यान देना, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अर्थात भारत की जंगली और जो है कि पठारी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को इसमें रखते हैं। संथाली, संथाल के द्वारा, मुंडारी, मुंडा समूह के द्वारा, खरिया, हो, खासी, बिरहो, खासी कौन सा, गारो खासी जयंतिया है ना, किटका, कोरकू, भूमिज, जुआंग, ऐसी भाषाएं इसमें आती हैं। तो आष्टिक समूह को हम कैसे, भारत का वह मध्यवर्ती भाग, वह पठारी भाग, वह जंगली क्षेत्र जहां पर जनजातियां निवास करती हैं, वह वहां की भाषा को, वहां की बोलियों को हम आष्टिक समूह में रखते हैं। फिर है एक चीनी तिब्बती भाषा, तो इसको समझने के लिए बहुत आसान है, देखो मैं सब बता दे रहा हूं। यहां पर हमने क्या देखा, इंडो आर्यन, यहां पर हमने देखा इंडो आर्यन को ऐसे ले लो, ऐसे, अच्छा इंडो आर्यन हो गया, ये आष्टिक हो गया, इसी में से यह जो बीच वाला पठारी क्षेत्र है यहां पर आष्टिक, और यह जो पूर्वोत्तर भारत वाला भाग है, ये पूर्वोत्तर भारत वाला, यहां पर चीनी तिब्बती भाषा समूह बोला जाता है। तो भारत में यह जो भाषा समूह है पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, और यहां पर जो जनजातियां रहती है यह पूर्वोत्तर भारत के, जो हम जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, उन वहां पर जो बोली जाने वाली भाषाएं और बोलियां हैं उसको हम इस समूह में रखते हैं। तो भाषा के आधार पर हम 4 समूहों में देख सकते हैं, समूह 4 है लेकिन भाषाएं और बोलियां क्या है, ज्यादा है, लगभग 20,000 बोलियां हैं। बताओ कैसे बनी होंगे, विविधता से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आए होंगे, उन्होंने कुछ बोला होगा, उन्होंने कुछ समझा होगा, मिलजुल कर कुछ और बना लिया होगा। भाषा संबंधी अन्य तथ्यों को देख लीजिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या की गई है, मान्यता दे दी। देख रहे हो विनोद, एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत के पास जा रहा है, देख लो, फिर मत कहना कि गुरुजी क्लास 6 के एनसीईआरटी खाली पढ़ाते हो, अरे ऐसी एनसीईआरटी कहीं पढ़ाई जाती है क्या, ठीक। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में कुल भाषाओं की संख्या लगभग 6,800 है, जिनमें से 90% भाषाओं को बोलने वाली संख्या 1 लाख से भी कम है, 1 लाख से भी कम है।
एक जो है कि भाषा के जानकार हुए हैं, इनके अनुसार सुमेरियन जो भाषा है दुनिया की पहली भाषा माना जाता है, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व का है, और वहां से कहा जाता है कि अन्य भाषाएं विकसित हुई, यह इनका मानना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत में देखें तो हिंदी सबसे व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली मातृभाषा, मातृभाषा मदर टंग किसको बोलते हैं। सब इंग्लिश में भी लिखा होगा, सब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सब मिलेगा आपको, सब देंगे। कब देंगे? जब चैप्टर कंप्लीट होगा। ये बार बार पीडीएफ पीडीएफ मत किया करो, इससे आपकी छवि कमजोर होती है, क्योंकि मैं बताता हूं पीडीएफ से कोई सिलेक्शन नहीं होता, पीडीएफ से आईएएस नहीं बनते। नोट्स बनाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग इतना प्रतिशत आबादी क्या करती है? हिंदी का प्रयोग करती है। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है बंगाली है, जो कि दूसरे स्थान पर है, जो 8% लोगों अर्थात लगभग 9.7 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर? श्याम झा कह रहे हैं, सर आप विनोद का ही नाम क्यों ले रहे हैं? हम भी तो आपके स्टूडेंट हैं, ले लिया तुम्हारा नाम, अब गुस्सा हो जाए विनोद कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमिका जी लिखते हैं, सर आप एक होकर भी इतने विषय में प्रो क्यों हो? प्रो और कुछ नहीं है, प्रो और कुछ नहीं है, जो है वो बता रहे हैं क्यों है, जो भी आता क्यों आता है, ये देख रहे हो क्या है। 9 साल से डेली 6 घंटा 7 घंटा जब पढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए दिन रात आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको आपका भी लेवल आ जाएगा। प्रो नहीं है बच्चे, ना प्रो बनना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आपको इतना जरूर बता दें, समझा दें कि मैं कह सकूं कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, और किसी का हो रहा है तो तुम्हारा जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बेहतर कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, सांस फूल गई, मिलते हैं 5 बजे। क्लाइमेटोलॉजी, अच्छा सुनो, ये जलवायु विज्ञान को जो स्किप कर रहे हो ना तुम, तुमको लगता है कि जलवायु विज्ञान तो हम समझ लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जलवायु विज्ञान जिस तरह से पढ़ा रहा हूं कोई नहीं पढ़ाता, देख लेना। स्किप कर रहे हो क्लास, रिजल्ट स्किप होगा, फिर दोष मत देना कि हमने मित्रता नहीं निभाई। अच्छे मित्र के लिए बोल रहे हैं, सब लोग 5 बजे वाली क्लास में आया करो, और आज 9 बजे क्या होगा, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के लिए क्या पैमाने होना चाहिए, जो वैकल्पिक विषय है उसको कैसे रखा जाए, क्या वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे वैकल्पिक विषय में ज्यादा नंबर प्राप्त करें, आज रात को 9 बजे और सिर्फ रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सेशन को शेयर करना, करोगे शेयर को? सांस फूल गई, हमको तो बड़ा डर लगता है भाई, ऐसा ना हो पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी निकल लिए लाइव। सेशन को शेयर किया करो, ठीक है, पता नहीं जीवन का है ना, सेशन को शेयर करना बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।